अल्लाह रसूल की हिदायत से हुजूर दाता गंज बख्शाई अजमेरी रहमतुल्लाह की नगरी में इस वक्त मकाम चंडिया मेन रोड हरबंसपुरा मलिक गुलाम रसूल एडवोकेट जो डिवीजन के जिम्मेदार हैं और मलिक आरिफ बशीर साहेब उमर अब्बास सुलेमान अमीन दीगर उम्मीदवार के तावन से लबैक या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस अपनी आमोताब के साथ इनेकाद पजीर है जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर अपने पूरे जोबन के साथ स्टेज पे जलवा कर रहे हैं जिनके दाया मलिक गुलाम रसूल साहब के वालिद मोहतरम मलिक सियाद अहमद साहब तशरीफ फरमाए हैं और स्टेज पर मेहमान खुशी के तौर पे राणा खालिद महमूद साहब राजपूतों वाली पगड़ी बांध के वो भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को और मुझे मिल के नबी अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। रबी आसानी के लिहाज से आले सुन्नत के मुख्तलिफ मकामात पर फिर बड़ी ग्यारहवीं शरीफ के हवाले से महफिल का एहतमाम हो रहा है जिसमें आज तक हम यही सुनते आए हैं कि सैर पानी में तैर रहा था उसके पीछे पर गौसे आदम रजी अल्लाह तआला की वालिद मोहतरम मालिक से इजाजत नहीं ली अल्लाह का प्यास फिर वहां पहुंच गए जहां से के दरख्त उस नहर या दरिया के किनारे पर मौजूद थे और फिर हमारे खतीब वाइज ये कहते हुए सुनाई देते हैं हज़रत अब्दुल्ला स्वामी ने कहा कि ये मेरी बेटी अंधी भी है पैरी भी है डूंगी भी है भाई कम अज कम गौसे आदम की वालदा है तो कुछ तो याद रखो और सर ग्यारहवीं शरीफ मनाने वालों का भी ये भी गौर किया है कि वो हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से मशहूर थे। जंगी दोस्त इसलिए कहते थे कि वो तेरे भाग की हाथ करते थे और गौसे आजम की वालदा मोहतरमा वो मुजाहिदाए नफ्स में मुस्तगरक थी वो तलवार आपके वालिद मोहतरम तलवार के साथ जिहाद कर रहे थे कुफार के साथ कई भर जिहाद में मसरूफ रहते तो वो जिहाद की सैफ था तलवार के साथ जिहाद था और वालदा का जिहाद नफ्स था। जब ये दो जिहाद करने वाले इकट्ठे हुए जिस जिहाद के नाम से पूरा कुफर आज भी इस्लाम की मुखालफत कर रहा है आज भी एक दोस्त फैसलाबाद में जिक्र कर रहे थे कबीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह इस तरह गाजन चकवाल
या जेलम किसी इंटरचेंज पर पुलिस की गाड़ियां लग चुकी थी, रास्ता बंद कर चुके थे। भाई एक बंदे ने कुरान मजीद पढ़ना है, अजीज पाक पढ़नी है और वो चल भी नहीं सकता, बैठा भी व्हील चेयर पर है, आखिर आपको उससे खतरा क्या है? आप हज के मसाइल बयान करें, किसी को कोई खतरा नहीं, पाबंदी नहीं। ज़कात के मसाइल बयान करें, कोई पाबंदी नहीं। वुजू के फजाइल बयान करें, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो ही आपने निजाम की तब्दीली की बात की तो आप फिर टेस्ट कर दें। इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कोई बंदा निजाम की तब्दीली की बात ना करे, इसलिए कि वो निजाम जो हमारे ऊपर मुसल्लत है और तहरीक लबैक पाकिस्तान इसलिए आंखों में खटक रही है और आलम कुफर की आंखों में इसलिए कांटा बनकर खटक रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का मकसद न जाती नमूज नुमाइश है, ना जाती मुफादात की जंग है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि वो मकसद जिस मकसद के लिए उनके पाकिस्तान बने, तहरीक लबैक पाकिस्तान उसी के अमल पर आओगे मुल्क पाकिस्तान में हुजूर का निजाम लाना चाहती है और यही मकसद है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, एक ही मकसद है। और वो लोग जो जिनको तहरीक से खतरा है अमन का राग लाते हैं कि नहीं जी ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं करते, अमन का राग लापने वाले अगर इस बात को इस मौकफ को चंद जुमलों में समेटा जाए तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि भाई आज भी फलस्तीन है लोग कह रहे हैं ना भाई तुम परेशान ना हो, असी नाथ खान भेज रहे हैं पै वो आके नाथा पढ़ लगे, असी नकीब भेज रहे पै वो आके फन निकाबत का इजहार कर लगे, असी जनाब खतीब भेज रहे हैं वो आके खिताबात करेंगे, कारी भेज रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, बहुत सारे पीर भेज रहे हैं वो आके दम करेंगे, कैसे तावीज करेंगे। भाई फलस्तीनी कह रहे हैं आज हमें ना आपके दम करने वालों की जरूरत है ना जान खानों की जरूरत है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद के लिए उन मजबूर मुसलमानों की जरूरत है जो हमारे साथ खड़े होके आलम कुफर की आंखों में आंखें डाल के हमारी मदद के लिए हमारे साथ लड़ने के लिए भी तैयार हुआ और मरने के लिए भी तैयार। आलम कुफर के ममालिक उनकी इसराइल की मदद करिए, सारा कुफर इकट्ठा है, वो फौजा भेज रहे हैं असला भेज रहे हैं और वीडियो नजर आ रहा है कि असला लेके मुख्तलिफ ममालिक में फौजी उतर रहे हैं और फलस्तीन के लोग पूरी उम्मत एक अरब तकरीबन 84 करोड़ अफराद और 57 इस्लामी ममालिक और इकबाल से ठीक कह गया ना कि कैसे कहूं के जहर है मेरे लिए, मैं हयात कोहरा है वक्त में कायनात और ताजा है मेरे वारदात, क्या नहीं और गजल भी कहा कहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ और काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं गर के हताबदार अभी गैसू तजलाओ फरा ऐसे थे उसे हमले हो रहे बमबारी हो रही है और मुल्क पाकिस्तान वाले बेचारे अपने बुगत का इजहार कर दिया मुल्क पाकिस्तान मैच दिखा रहे और मंडी बहुदीन का अमीर सिर्फ इस वास्ते जेल च गया कि उन्हें कहा जनाब जलो गलत हमले हो रहे फलस्तीन बमबारी हो रही है, बच्चिया यतीम हो रही ने, औरतें बेवा हो रही ने, बच्चे ने लाशा चल पड़ी ने, उस वक्त तुम मुल्क पाकिस्तान एलसीडी लाके इतने मैच में खड़ा कर दे असं मैच नहीं रखाण देने इतने बाबा जी के खिताबात लावे
जी कौम उदरकता हमले हो रहे हैं उन्होंने चीखा की आवाजा आ रही हूँ जी कौम फिर भी मैच ला के वेख रही हो फिर मैच कर ला के विखा के टीम अपनी खल के उधर कह रहे जनाब मसलूम है जो 73 लोग मीलाशरी के जलूस से शहीद हो गए उधर तमाचा हो ना जी 73 बंदे शहीद हो गए और कई 100 जख्मी हो गए मैं भी उसे हाजिर हो सर अमीर साहब भी तशरीफ लै गया सर ये लाशा जी गिरियां उदो बयान आ रहा थी जनाब ये राह ने किया है अगर भाई राह ने किया फिर अपनी टीम वापस हो जाते अगर राह ने किया राह का कारनामा है फिर अपनी टीम इंडिया तो वापस हो जाते लेकिन तुम जो स्टेड नहीं चलो उसे बर्बादी हो रही थी तुम इतने मैच दिखा रहे सौ तो मैं उसके राजे तासीम पेश करना उस बच्चे 8-10 साल बच्चे जरा बंबा का धुआं उठ रहा है मलबे के ढेर से बह के थले लोगों की अच्छी खानियां आवाजा आ रही है और मलबे के ढेर से बह के पढ़ रहे हैं वाला ना बोलो वाला ना तुम पेशा है मेरा लखाओ फिर वाला जो हुए वाला अक्सी मेरा लंबा है वाला ना सोचे बस सब आप जो उस बच्चे को कराजे तासीम पेश करना जिन्हें एक हाथ से स्वीटर पड़े हैं जो दूसरे हाथ से पत्थर पड़े हैं मैं तो बार हाथ है कि उस बच्चे ने उस अंदाज से साड़िया दिमाजा भी कुरबान ने उम्र भी कुरबान ने हज भी कुरबान ने साड़िया नेकिया भी कुरबान ने जो बच्चा एक हाथ से फीडर फट के दूसरे हाथ से पत्थर फट के पूरी उम्र को भी पैगाम दे रहे हैं कि आलमे कुफर भी नमकार रहे हैं लेकिन ऐसे दे यजीदी के सामने अगर कोई शख्स नवासा रसूल भी होए जब इख्तलाफ की गल आ जाए जाति मुफादात की गल आ जाए फिर यजीद यजीद वक्त यजीद आने वक्त फिर ये भी देखते के सामने नवासा रसूल है चाहे नवासा रसूल भी होए फिर भी यजीद आने वक्त उनके खात्मे लिए तैयार है और फिर किस तरह अमेरिका दीगर ममालिक आप जोर जोर के कह रहे हैं जनाब तो अपना दिफाई निजाम इन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं असं जो है असं खिदमत अंजाम देंगे लेकिन अफसोस कि 57 इस्लामी ममालिक लेकिन फलस्तीन के लोग कहते रहा और अज भी उम्मत किसी मुहम्मद बिन कासिम के इंतजार है किसी महमूद गदरी के इंतजार है किसी शहाबुद्दीन गौरी के इंतजार है अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत को खैर तदीरी अता फरमाए और सब मिल के उम्मत मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम नाल और आप दे दीन नाल वफा करन दी तौफीक अता फरमाए अस्सलातु वस्सलाम अलैकी या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह